हेलो नमस्कार दोस्तों, एमटेक वायरल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एक वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप एक iOS एप्लीकेशन 5 मिनट में कैसे बना सकते हो, वो भी बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आप कार्ड देख सकते हो, जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पर डायरेक्टली जा सकते हो। और आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको अगर वेब एप्लीकेशन बनानी हो तो आप कैसे बना सकते हो। वेब एप्लीकेशन मतलब होता है कि अगर आपको कोई वेबसाइट की एप्लीकेशन बनानी हो, यानी एक तरह की वेबसाइट कह सकते हो कि आप एक वेबसाइट है, तो वो आपको बनानी है 5 मिनट में। आपको कोडिंग नहीं आती है तो उसके लिए आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है Zojo, और Zojo से मैंने iOS की एप्लीकेशन सिर्फ 5 मिनट में बना दी थी। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि वेब एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Zojo को। ये मेरा Zojo स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हो कि काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे वेब सिलेक्ट करना है हमको इसमें से, और वेब सिलेक्ट कर लिया है मैंने। इसको एप्लीकेशन नेम देना है। तो ये एप्लीकेशन जो मैं बनाने वाला हूँ, ये एप्लीकेशन बेसिकली एक मैप व्यूअर एप्लीकेशन है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ मैप व्यूअर ऐप, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये देख सकते हो आप, मेरे पास एक इंटरफेस खुल गया है। जैसे कि आपका वेबसाइट आपने देखा होगा इसी तरीके का कुछ इंटरफेस होता है उसका। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मुझे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड चाहिए। तो मैं यहाँ से इनपुट फील्ड यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, और ये देख सकते हो आप कितना इजी है। इसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एक बटन चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे एक बटन, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा मुझे एक चीज़ चाहिए जिसका नाम होता है मैप व्यूअर, और ये यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे एक मैप है जो मैं यहाँ से डायरेक्टली पिक कर लेता हूँ। और ये मैं पूरा इसको पूरी स्क्रीन के हिसाब से स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा क्या करना होगा आपको, इसके अलावा ये करना होगा कि जो ये इनपुट फील्ड है, इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। इंस्पेक्टर पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ देख सकते हो इसका एक नाम है टेक्स्ट फील्ड 1। तो इसको मैं चेंज करके मैं डाल देता हूँ इसको समथिंग लाइक लोकेशन फील्ड। लोकेशन फील्ड मैंने डाल दिया है इसका। और इसके अलावा आपको देखिए एक चीज़ है, इसमें एक लॉकिंग, लॉकिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको ये जो भी आपकी वेब ऐप है, ये किसी भी ब्राउज़र में किसी भी साइज़ में मतलब ये चलेगा, तो आपको लॉकिंग करना होगा कि ये किस तरफ होनी चाहिए। जो भी फील्ड है आपकी वो लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट में, टॉप में या बॉटम में। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक बॉटम का लॉक लगा देता हूँ, बॉटम का हटा देता हूँ, लेफ्ट और टॉप, क्योंकि ये टॉप पे है, और राइट, ये तीनों का मैंने इस पे लॉक लगा दिया है कि इतना ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखे लगभग, ये समझ लीजिए आप। इसके अलावा मुझे इसमें टेक्स्ट में कुछ डालना नहीं है, तो यहाँ पे एक बेसिकली मैं फील्ड एंटर करवाऊँगा यूज़र से। इसके अलावा मैं जब अनटाइटल्ड पे क्लिक करूँगा इस बटन पे, इस बटन का एक नाम देना है मुझे, तो इस बटन को मैं शो बटन नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी लॉक लगाना है, तो आप देख सकते हो कि ये टॉप पे है और राइट साइड पे है, तो ये दो लॉक लगा देता हूँ मैं, और ये दो लॉक हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, कैप्शन में आपको इसको नाम दे दीजिए, जैसे शो मैप। जब आप एंटर करोगे तो इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, फिर आप मैप पे क्लिक कीजिए। इसको आपको एक नाम देना है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लोकेशन मैप, ठीक है, लोकेशन मैप नाम दे दिया मैंने। अब इसको आप देखोगे तो ये टॉप को छोड़ के बॉटम में भी है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो ये तीनों लॉक कर दिए मैंने, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ हो गई, ये मेरा इंटरफेस बन गया है। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे बटन जब मैं क्लिक करूँगा, जब मैं यहाँ पर कोई एड्रेस डालूंगा इस टेक्स्ट फील्ड में, उसके बाद इस बटन को क्लिक करूँगा, तो मेरे पास मैप खुल के आना चाहिए। तो शो मैप पर मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर यहाँ एक्शन पर मुझे जाके ओके करना है, यहाँ मुझे एक एक्शन इनपुट करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, यहाँ पे हल्का सा एक काम है, आपको एक लोकेशन फील्ड लेनी है जिस पे आप काम करोगे। तो मैं उसको कैसे ले सकता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डिम लोकेशन नाम का, एज
आप देख सकते हो कि आपको आधी चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट खुद बता देगा, न्यू और वेब मैप लोकेशन। अगर आप टैप करोगे तो वेब मैप लोकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये लोकेशन आ गया आपको, तो लोकेशन जो है उसका लोकेशन डॉट एड्रेस सेट करना है मुझे यहाँ पे। तो एड्रेस मैं कहाँ सेट करूँगा, जो मेरी लोकेशन फील्ड है, जो मैं यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे इसका एड्रेस सेट करना है। तो मैं इसको लोकेशन फील्ड डॉट टेक्स्ट ये दे देता हूँ। इसके अलावा मुझे क्या करना होगा, मुझे जो मेरा मैप है यानी लोकेशन मैप है जो डॉट गो टू लोकेशन, कि उस लोकेशन पर मुझे जाना है, तो गो टू लोकेशन इक्वल टू लोकेशन या इक्वल टू ना करके आप इसको ब्रैकेट में इसकी फील्ड दे दीजिए लोकेशन। इस लोकेशन पे आपको जाना है तो ये लोकेशन आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है बस, कि जो लोकेशन है, लोकेशन मैप है बेसिकली, लोकेशन मैप डॉट एड लोकेशन, ठीक है। इस एड लोकेशन में आप फिर ये लोकेशन पास कर दोगे। तो कुछ नहीं करा हमने, एक लोकेशन नाम का फील्ड बनाया है जिसका एड्रेस हमने उस टेक्स्ट जो फील्ड है उससे एंटर करा लिया है, और लोकेशन मैप में हमें उस लोकेशन पे जाना है और उसको ऐड करना है, ठीक है। ये अब आपका एप्लीकेशन बन चुका है। अब तो दोस्तों अब मैं इसे रन करूँगा और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो रन पे क्लिक करेंगे हम और एक वेब पेज खुल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हो वेब पेज खुल गया है और इसमें मुझे एक मैप दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे इनपुट करना है एक फील्ड, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक इनपुट कर देता हूँ फील्ड। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज़ कीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे राजीव चौक, और मैं यहाँ पे शो मैप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं शो मैप पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हो कि ये मुझे राजीव चौक पे ले गया है। और ये मैप को थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप ये वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट में। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा जोजो के साथ। तो अभी मैं डेस्कटॉप का भी एक आपका एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा अगले कोई वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक दो ऐसे लोग हैं जो कि चाहते नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए वो मल्टीपल अकाउंट से मेरे वीडियोस को डिसलाइक कर रहे हैं। तो आप पहले वीडियो देखिएगा, उसी के हिसाब से आप इस चीज़ को करिए लाइक या डिसलाइक, और विदाउट उसके आप किसी और के रिव्यूज़ पे मत जाइएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को रेड बटन दबा के। थैंक यू सो मच।